सफर नहीं ये है इंतहा, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये देखें जरा, ये क्या है? वो रिश्ते के लिए सफिया आपा ने बताया है, महविश के बता रही थी, बड़ा अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने महविश से बात की? उससे बात करने की क्या जरूरत है भला, लड़कियां बोलती हैं कि अपने रिश्तों के बीच में खामा खा। अरे भाई, अभी तो उसके सालाना इम्तिहान बाकी हैं, बल्कि उनमें भी अभी बहुत टाइम पड़ा है। कहां तुम पढ़ाई के बीच में उसे झंझट में डाल रही हो, खाम खा हथेली पे सरसों जमाने की कोशिश कर रही। क्या मतलब है आपका, ये जल्दी है कोई? भाई जवान हो गई है बच्ची, ग्रेजुएशन कर लिया उसने, अब भी जल्दी ना करूं तो कब करूं? पढ़ाई हो गई खत्म। ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय, और अब्बा जी आपकी ये चाय। चीनी कम डाली है जी। ये क्या है? अब अरे वापस करो दो मुझे। अरे देखने दो ना, क्या हो गया? देख लो देख लो। हाँ देख लो, तस्वीरें। किसकी तस्वीर है ये? तुम्हारे रिश्ते के लिए सफिया आपा ने दी है, आएंगे एक दो दिन में ये लोग, देख लो अच्छी तरह से। मेरा रिश्ता क्यों भला? क्या मतलब है क्यों? शादी नहीं करनी तुम्हारी? अम्मी मुझसे पूछे बगैर आप लो भला, तुमसे क्या पूछना? हाँ अम्मी, क्योंकि मेरा हक बनता है शादी के बारे में अपनी राय देना। क्या हो गया, खैरियत तो है? कहीं खुदा ना खास्ता कोई पसंद वसंद तो नहीं आ गया? देखो सच सच बता दो मुझे अगर कोई ऐसी बात है तो। जी मैंने अपने लिए पसंद कर लिया है तालीम को, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, शादी नहीं करना चाहती। अरे पढ़ तो लिया महविश, बस अब शादी की उम्र हो गई है बेटा, पढ़ लिया बहुत। अम्मी मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है शादी करने में, अभी मैं अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत फोकस्ड हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिया जितना पढ़ना था बस। कैसे बस अम्मी, आपने पहले ही मुझे किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेने नहीं दिया। आप जानती है ना बड़ी डिग्री लेना कितना बड़ा ख्वाब है मेरा, और ये ख्वाब मैं पूरा करूंगी इंशाल्लाह। पहले मैं मास्टर्स करूंगी, उसके बाद अगर मेरा जहन बन गया शादी करने का तो फिर हम तब की तब सोचेंगे। कुछ नहीं देखेंगे, मैं बता रही हूँ हमारे पास अब एक रुपया नहीं है तुम्हारी पढ़ाई पर खर्च करने के लिए, बहुत खर्चा कर लिया हमने, और मैं तो अब एक ढेला भी नहीं दूंगी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। अरे भाई अभी तुम्हारे लिए जहेज बनाना है, फिर शादी का भारी भरकम खर्च कोई कम थोड़ी होता। जहेज? अम्मी अगर मैंने जहन बना भी लिया ना शादी करने का, तो मैं अच्छे और शरीफ लोगों में शादी करूंगी, कम से कम उन लोगों में शादी करूंगी जिन्हें जहेज की लालच ना हो। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते बेटा, नापैद हो गए दुनिया से, और फिर जहेज देना जरूरी है, मतलब दुनिया देखेगी क्या बातें बनाएंगे लोग, और फिर तुम्हारे काम आएगा कल को ये जहेज। अम्मी जहेज काम नहीं आता, सारी उम्र तालीम काम आती है। ये चार जमाते पढ़कर ना ज्यादा सबक मत पढ़ाओ मुझे, बस कान खोल कर सुन, लोगों लोग आएंगे अभी एक दो दिन में, उनके सामने ज्यादा आए बाएं शाएं नहीं करना, और बस अब आ जाओ मैं नाश्ता बना रही हूँ, आके बर्तन लगाओ। बात तो सुने? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात, ज्यादा मत बोलो, चलो आ जाओ, शाबाश, देर हो गई है नाश्ते को। ये क्या है अब्बा जी? तुम परेशान मत हो, मैं बात कर लूंगा उससे, जाके उसके काम में हाथ बटाओ, वरना पता है उसके गुस्से का। जाओ जाओ, मैं कर लूंगा ना बात, जाओ तुम जाओ।
देखो हसीना, बात समझने की कोशिश करो। महवेश की बात सही है, अभी उसे पढ़ने दो। भाई पढ़ तो लिया, अब और कितना पढ़ेगी आखिर? क्या पढ़ा उसने? सिर्फ ग्रेजुएशन? अरे ग्रेजुएशन की कोई तालीम होती है भला? आजकल पूछता कौन है ग्रेजुएट्स को? तो भाई शादी के बाद कौन सी नौकरियां करनी है उसे? हसीना जिंदगी में अच्छा बुरा वक्त आता रहता, इसीलिए तो माँ बाप अपनी बच्चियों को जेवर और जहेज देते हैं। मैं तो तभी कह रही हूँ आपसे कि बंद कराएं इसकी पढ़ाई। अरे भाई यही पैसा मैं जोड़ू, उससे मैं इसका जेवर बनाऊं, जहेज बनाऊं, कोई जोड़े बनाऊं चार। देखा है आपने सोने का रेट कहाँ जा रहा है आजकल? अम्मी ये जहेज जेवर किसी काम नहीं आता। मेरी प्यारी अम्मी, आप ना मुझे भले एक छल्ला तक ना दें, मैं नहीं मांगूंगी आपसे जहेज। मैं तो खुद जहेज के खिलाफ हूँ, और ना ही मुझे जहेज खोरों में शादी करनी है। और आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे लड़का भी ऐसा ही मिलेगा जिसकी सोच ऐसी होगी। आजकल के जमाने में मिली ना जाए तुम्हें ऐसा। क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कहते हैं इंसान की जैसी नियत होती है अल्लाह पाक उसको फल भी वैसा ही देते हैं। देखो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी नियत बहुत अच्छी है, अल्लाह इसे बहुत अच्छा शौहर देगा इस जैसी सोच वाला, देख लेना तुम। एक तो आप दोनों बाप बेटी ना, बस जो सोच लिया है उस पे अमल करवा के दम लेना है। अच्छा भाई गुस्सा मत करो, आमीन कहो और दुआ करो कि अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। हाँ हाँ आमीन, मैं कोई दुश्मन थोड़ी हूँ अपनी बेटी की भला। इतना फर्नीचर दुनिया जहाँ का ही तो इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया इन लोगों ने, इतने लालची लोग हैं, इस तरह कोई जहेज की लिस्ट भेजता है क्या? अच्छा बस कर दो, चार चीजें ही तो हैं, अब ये भी नहीं देंगे क्या हम अपनी बेटी को भला? मुझे नहीं चाहिए, जहेज एक लानत है और हमारे माशरे ने ना मुसल्लत कर दिए ये सोच हमारे ऊपर। जहेज देने वाले तो कभी मना नहीं करेंगे, और जब तक जहेज देने वाले इनकारी नहीं होंगे ना, ये रस्म ऐसे ही चलती रहेगी। तो बेटा अगर जहेज नहीं देंगे तो सबकी बेटियां घरों में ही बैठी रह जाएंगी? अम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक कदम उठाने की देर है, लोगों की इस फजूल सोच को खत्म करना है और सोच बदलनी है। और मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए अम्मी, मैंने आप लोगों से कभी भी कोई डिमांड नहीं की, सिर्फ ये कहा था कि मुझे पढ़ा लिखा दे, मुझे ये जहेज ये सब चीजें नहीं चाहिए अम्मी, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। हसीना वैसे महवेश ठीक कह रही है, हसीना ही कोई पहला और आखिरी रिश्ता तो नहीं था ना, और सफिया ने कहा कि वो और रिश्ते भी दिखाएगी, हो सकता है कि हमारी बेटी की सोच के मुताबिक कोई अच्छा जोड़ मिल जाए। अच्छा चलो ठीक है, बात करती हूँ मैं सफिया आपस से, तुम रो तो मत ना। अम्मी आप मना कर देना उन्हें। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं बात करती हूँ, देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। ठीक है रो ना, आपको घर तो आसानी से मिल गया था ना? जी बिल्कुल, बहुत आसानी से मिल गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कुछ लेना, ये कबाब तो महवेश ने बनाए, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे बनाती है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है, मगर मेरा बेटा भी किसी से कम नहीं है, माशाल्लाह से खूब कमाता है, जवान है, आला तालीम याफ्ता है, रिश्तों की लाइन लगी हुई है इसके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपके बरखुरदार भाई साहब, अगर आप बुरा ना मनाए तो लड़का लड़की अकेले में बात कर लें, मुनासिब रहेगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है जाओ बेटा। वैसे आप करते क्या हैं? नहीं मेरा मतलब आपकी हॉबीज और स्टडीज। मैंने अभी अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। कांग्रेचुलेशंस। आपसे एक सवाल करूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप पूछिए आपको जो पूछना है। शादी के बाद आपकी जब शादी हो जाएगी तो क्या आप अपनी वाइफ को जॉब करने की इजाजत देंगे? कोई एतराज तो नहीं होगा आपको?
भला मुझे क्यों एतराज होगा, वो उनकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल सही बात है। अब देखे ना, इंसान इतना पढ़ता लिखता है, अपनी एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट करता है, उसको यूटिलाइज तो करना चाहिए ना। वैसे मेरा मानना भी यही है कि इंसान खुद मुख्तार है, वो जो चाहे कर सकता है। वैसे मेरी होने वाली बीवी को कोई पाबंदी नहीं होगी, और अगर वो जॉब करना चाहेगी तो उसकी अपनी मर्जी होगी। वैसे भी मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो औरतों पर पाबंदी लगाए और उन्हें रोके, मना करे। क्या बात है, आपकी ये सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर आपको एतराज ना हो तो एक और बात पे आपका नजरिया जान सकती हूँ। आपको मेरा जितना इंटरव्यू लेना है ले लीजिए। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल जहेज का कितना रिवाज बन गया है, लोगों के जहन पे कैंसर की तरह फैल गया ये जहेज का नाम। मैं तो सख्त खिलाफ हूँ जहेज के, आपकी क्या राय है इस बारे में? आपके और मेरे ख्याल से मिलते जुलते हैं। मैं भी जहेज को नहीं मानता। मेरी नजर में जहेज एक लानत है जो सरासर एक बोझ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखे ना, लोगों ने इस चीज को जरूरत का नाम दे दिया है, कितनी अफसोस की बात है। वैसे मेरा भी यही मानना है। भला मेरे घर की चीजें मेरी बीवी क्यों लाए? वैसे तो मर्द बहुत गैरतमंद बनता है और अपनी बीवी की लाई हुई चीजें बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल करता है। क्या सोच हो गई है मुआशरे की, रिडिकुलस। आपको कुछ और सवाल करने हैं तो? जी नहीं, मैंने कहा कुछ और पूछना है तो? नहीं, और तो कुछ भी नहीं, बस। हाँ किरण, अपना घर बार है उनका, और उसके वालिद तो अच्छा खासा कमाते हैं, तो जहेज क्यों नहीं लेंगे? अरे करने दो उसे जो बातें करता है। हाँ फिक्र नहीं करो, मेरा नाम भी नुजरत है, नुजरत। हाँ हाँ लेन देन करेंगे, मेरे ख्याल में अच्छा खासा जोड़ रखा है उन्होंने, और वालदेन देते ही हैं अपनी औलाद को। भाई तुम बताओ, नाहिद बहन कैसी हैं? सलाम कहना मेरा उनसे। अच्छा बात सुनो, मुझे लगता है कि महविश के अब्बू का फोन आ रहा है, जरा उनसे बात कर लूं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? यकीन माने आपको आज मैं बहुत याद कर रही थी। जी जी बोलें। हैं? देखे ना भाई साहब, आखिर आप भी तो अपनी बेटी को जहेज के नाम पे कुछ देंगे, जहेज ना सही तोहफा ही समझ के। वालदेन अपनी औलाद को बुरे वक्तों के लिए जेवर पैसा तो देता ही है। लास्ट ईयर मेरी बेटी की शादी थी तो मैंने जरूरत का सारा सामान उसे दिया है। भाई बेटी का हक होता है, वालदेन तो करते ही हैं इतना। अस्सलाम वालेकुम। क्या सादगी से शादी? ना भाई साहब ना, ये मुझसे तवक्को नहीं कीजिएगा। मेरा भी चार लोगों में उठना बैठना है, और मेरा एक ही तो बेटा है, और लाखों अरमान है मेरे। एक सेकंड, एक सेकंड। जब मेरी आपसे बात हो गई थी कि हम महविश के घर वालों से कोई डिमांड नहीं करेंगे, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? तो मैं कौन सी डिमांड कर रही हूँ? क्या कह रही उनसे? लाओ दो फोन मुझे दो। अरे भाई फंक्शन की बात करनी है, और ये बड़ों के मामलात हैं, इसमें तुम नहीं बोलोगे। एक सेकंड, मुझे बात करने थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल आप फिक्र ना करें, मैं शायद अम्मी को बताना भूल गया था जो मेरी आपसे बात हुई थी। जी शादी उसी तरह सादगी से होगी। जी जी जहेज अंकल मैं लानत भी नहीं भेजता, मैंने कहा ना मैं अम्मी को बताना भूल गया था। नहीं उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, आप बस शादी की तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज। होश के नाखून लो रजा, शादी और वो भी सादगी से जहेज के बगैर। खानदान वालों को जानते हो, जमाने भर में बातें करेंगे। खानदान वालों से मैं निपट लूंगा, आप परेशान मत हो, और प्लीज अब उन्हें तंग मत कीजिएगा। अरे नुजात, दुल्हन का कमरा देखकर आ रही, वही पुराना फर्नीचर, क्या कोई जहेज वहेज नहीं लेकर आई? मैं जहेज नहीं लेकर आई।
अरे वाकई कुछ नहीं लेकर आई? वो खुद आ गई, शुक्रिया उसका। इनके वालदैन ने इन्हें जहेज से ज्यादा कीमती जेवर दिए। जेवर? कितना जेवर लाई हो बेटे? चलो वलीबे पे पहनोगी तो वो भी देख लेंगे। खाला आप गलत समझ रही हैं। कुछ जेवर इतने कीमती होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन सारी जिंदगी काम आते हैं। रजा तालीम के जेवर के बारे में बात कर रहे हैं। देने को तो मेरे माँ बाप जहेज और जेवर ये सब दे सकते थे लेकिन मैंने उन्हें इनकार किया। मेरे माँ बाप ने मुझे आला तालीम दिलवाई जो इन जेवर से जहेज से बहुत ही ज्यादा कीमती और करामत है। रजा सुन रहे हो अपनी दुल्हन की बातें? मैं तो सुन रहा हूँ, शायद आप समझ नहीं रही। तालीम से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कोई जेवर नहीं। अरे वाह रजा, अभी तो वो आई है, तुमने हिमायत भी शुरू कर दी। चलो दुल्हन को लेके कमरे में जाओ। चलो नुज़त, वाकई ये जहेज में कुछ नहीं लेकर आई? नहीं लेके आई, ये जो तुम्हारा भांजा है ना, आजकल की पढ़ी लिखी औलादे। अल्लाह ही बचाए ऐसी नस्लों से। क्या देख रही हैं आंटी आप? बस ऐसे ही बेटा। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी तो बच्चों के फर्ज से बिल्कुल फारिग हो गई हैं। जी बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। दरअसल तुम कल गई हुई थी ना तो सादिया की सास आई थी। अच्छा भाई, लोगों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं रही। माना के माँ बाप जो भी जहेज देते हैं अपनी बच्चियों को देते हैं। अब नुज़त बहन ने तुम्हें जो कुछ दिया है हमने मुंह से तो नहीं मांगा था ना? जी आंटी सही कह रही हैं आप। आपको पता है जब मैं छोटी सी थी ना, मेरी अम्मी ने तो मेरा जहेज तब से बनाना शुरू कर दिया था। अम्मी कहती है भला जहेज के बगैर भी कोई बेटी को रुखसत करता है। हाँ ना, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी अम्मी। मगर सादिया की सास तो कहती है कि हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की की सास को मुंह दिखाई में सेट डाला जाता है। अब बताओ भला इतनी महंगाई के दौर में मैं उसकी जहेज की चीजें पूरी करूं, शादी धूमधाम से करूं या उसकी सास का सेट डालूं? अरे मेरी तो कल से तबीयत खराब हो गई है। पर आंटी जो भी है अब आपको करना तो पड़ेगा ना। देखे ना सादिया का निकाह भी हो चुका है। बेटा तुम मेरी बच्चियों जैसी हो, तुम एक काम करो ना, अपने सेट में से कोई सेट उसको डाल दो। मैं शादी के बाद कमेटी डालकर ना तुम्हें वैसे ही सेट बनवा दूंगी दोबारा। आंटी मैं अपना सेट? अरे हाँ भाई, तुम्हें कौन सी कमी है? तुम्हारी अम्मी ने इतने सारे सेट तो दिए तुम्हें। हाँ आंटी मुझे दिए हैं लेकिन। चलो शुक्र है, मेरा ये मसला तो हल हो गया। भाई देखो कोई हल्का सा सेट देना, ज्यादा भारी भारी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है रजा, ये मैंने आपके कल ऑफिस के कपड़े प्रेस कर दिए। तुम्हें कितनी दफा मना किया, ये सब मत किया करो, मैं कर लूंगा। आप क्यों करेंगे? मैं बीवी हूँ आपकी, मेरा फर्ज बनता है आपके ये सारे काम करना। और वैसे भी मुझे ना आपके ये सारे काम करने से खुशी मिलती है। थैंक यू। बहुत मुबारक हो आपको सादिया की डेट फिक्सिंग की। आपको भी बहुत मुबारक हो। वो आपकी बहन की बेटी का भी तो गालिबन कहीं रिश्ता आने वाला था। हाँ वो बस आजकल चल रहा है। और कुछ लाने तो बताओ, मैं ले आता। नहीं सब कुछ हो गया है। रजा तुम बैठो, मैं जाती हूँ महवेश के साथ हेल्प के लिए। नहीं किरण आप ही कैसी बात कर रही है, सब कुछ हो गया है, खाना ठंडा हो रहा है, आप लोग खाना खाना शुरू करें। महवेश तुम्हारे कंगन तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, जहेज के होंगे है ना? ये जहेज के नहीं है क्योंकि मैं जहेज नहीं लेकर आई। वाह रजा तुम तो बड़े अमीर हो गए हो, इतने महंगे कंगन। नहीं मुझे रजा ने नहीं दिलाए हैं, ये मैंने खुद खरीदे। इतने कीमती, इतने पैसे? दरअसल मेरे अम्मी अबू ने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल किया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, इसलिए अगर इस तरह की चीजें मुझे पसंद आती हैं तो मैं खरीद लेती हूँ। आप खाना लेना, ठंडा हो रहा है। लीजिए आप खाना छिड़के। आपको रोटी दूँ?
रजा काफी देर हो रही है, चले ऑफिस। तुम भी कुछ खा लेती ना यार। मुझसे खाया ही नहीं जा रहा। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? हो जाता है इस हालत में अक्सर ऐसा। अम्मी मैंने सालन बना दिया है और साथ में चावल भी, ताकि आपको रोटी ना बनानी पड़े। ठीक है, सही। चले रजा देर हो रही है, चलो। क्या हुआ, तुम ठीक तो? नहीं तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों जिद कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। इस हालत में भी जॉब की जिद? जिद नहीं कर रही हूँ, ये जॉब हमारी जरूरत है। अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो आप भी बाप बनने वाले हैं। अखराचार भर जाएंगे, इतनी चीजें होती हैं, और ये जॉब हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं हूँ ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? देख लूंगा कोई ओवरटाइम या पार्ट टाइम जॉब। हैं? तुम क्यों करोगे ओवरटाइम? सेहत देखिए अपनी। अरे पहले दिन से जोरू के गुलाम बने हुए हो, भेजो इसे मैके। मेरा मतलब है पहली डिलीवरी है, लड़कियां चिल्ला करने मैके ही तो जाती हैं। वैसे भी जहेज के नाम पे तो कुछ दिया नहीं, नवासा नवासी के नाम पे ही कुछ दे दें शायद। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जब मैंने अपना बोझ अपने माँ बाप पे नहीं डाला, तो मैं अपने आने वाले बच्चे का बोझ किसी और पर क्यों डालूं? और मेरा मानना है कि आने वाला अपना रिस्क खुद लेकर आता है। पता नहीं हम कब तक ये रस्म रिवाज के नाम पे अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के ऊपर थोपते रहेंगे। चलिए हमें देर हो रही है। तो बाय, जिद की बहुत पक्की है ये लड़की। अम्मी जिद की नहीं, अपने अहद की पक्की है। और वो ही नहीं, मैंने भी अहद किया है कि हम दोनों मिलकर इस मुआशरे से जहेज जैसी लानत और बेटी के वालदेन पर बेजा बोझ डालने वाली रस्मों के खिलाफ जिहाद करेंगे। अरे तो करते रहो तुम दोनों जिहाद। हाथ करते हैं इनसे। ऐसे कैसे जॉब चली गई? अम्मी कंपनी पाकिस्तान से अपना ऑफिस वाइंड अप कर रही है, क्या कह सकते हैं। मगर अब गुजारा कैसे होगा बेटा, बिजली के बिल की भी आखिरी तारीख है कल। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब मजीद टेंशन वाली बातें ना करें मुझसे। किरण तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो साकिब को दो। आंटी मैं? हाँ हाँ तुम। देखो शोहर पे अगर बुरा वक्त आता है ना तो बीवियां उनकी शाना बशाना खड़ी होती हैं, नौकरियां तक करती हैं। अरे ये क्या मदद करेगी अम्मी, और इसको नौकरी देगा कौन? आजकल हम पढ़े लिखों का बुरा हाल है, और ये तो फिर समझ नहीं आ रहा कैसे होगा सब। नौकरी नहीं कर सकती ना तो उसको इसकी माँ के घर भेजो। अरे नौकरी नहीं कर सकती ना, वहां से जाके कुछ पैसे लेकर आए ताकि घर का गुजर बसर तो हो। देखो भाई बुरा वक्त तुम्हारे शोहर पर नहीं आया, तुम पर भी आया है, और तुम्हें भी काटना है उसे। आप भेजें इसको खुद, आप लाई थी ना पसंद करके मेरे लिए कि पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अमीर तो है, अब जाए कुछ करे मेरे लिए। मैं आप दोनों को साफ साफ बता दूं, मैं अपनी अम्मी के आगे हाथ हरगिज नहीं फैलाऊंगी। ठीक है फिर, देख लिया आपने। अम्मी मुझे बताएं मैं क्या करूं, 6 माह हो गए हैं साकिब की जॉब गए, और जब से उसकी जॉब गई है तब से वो लोग मेरा जेवर बेच बेच कर खा रहे हैं। कभी मुझे ताने देते हैं कि मैं जाकर नौकरी ढूंढूं, या मैं आप लोगों को कहूं कि कोई कारोबार करवा के दे उसे। तो भाई ये साकिब तो बहुत लालची निकला। साकिब? उसकी माँ, वो कौन सा कम है। मेरा सारा जहेज का सामान अपनी बेटी के जहेज के सामान में रखती है, और बाकी का आते जाते तोहफे तहाइफों में देती रहती है। इतनी बुरी निकली है वो? मैं तो उसे अच्छा समझती थी। मैंने तुम्हें इतना जहेज दिया है, इतना जेवर दिया है, मगर ना तो उसकी नीयत भरी ना उसका पेट। काश आपने आप ही को पढ़ने लिखने दिया होता तो आज आप किसी की मोहताज ना होती, और ना ही आपकी इज्जत और नफ्स मजरूह होती। ठीक है बेटियों को जो खुशी से देना चाहे माँ बाप दे दें, लेकिन पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपने इन्हें तालीम से महरूम करके सही नहीं किया। बिल्कुल ठीक कह रही है मैं विशा, काश अम्मी आपने मुझे पढ़ने दिया होता।
मैं तो पढ़ना चाहती थी। मैं तो हमेशा कहता था कि जहेज से बेटियों का घर नहीं बसता, ये साजो सामान टूट जाता है, पुराना हो जाता है, लेकिन तालीम। सही कह रहे आप, तालीम के जेवर से इंसान सारी जिंदगी माला माल रह सकता, और चाहे ये जेवर इस्तेमाल करता भी रहे फिर भी अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तालीम के आगे ये जहेज, जेवर, साजो सामान, ये सब कुछ खाक बराबर है। आप इन बेमानी चीजों से अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, लेकिन आप तालीम से अपने हालात का और अपना मुकाबला कर सकते हैं, वक्त का मुकाबला कर सकते हैं, और आपको किसी की मोहताजी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आखिर में ये तालीम ही है जो आपकी सारी ज़िंदगी काम आती है। बताएं क्या बचा है मेरे पास, कुछ बचा है मेरे पास? वालदेन इसलिए अपनी बेटियों की जल्दी शादी करते हैं ताकि वो अपने घर की वक्त पे हो जाएं। लेकिन अब हमें अपनी सोच बदलनी होगी, वही लाखों जो जहेज पे खर्च करते हैं वो अपनी बेटियों की तालीम पे खर्च करना होगा ताकि मुश्किल वक्त में तालीम उनके काम आ सके। महविश को देखो, इसने तालीम के जेवर से जिंदगी की हर आसाइश पा ली। महविश बेटा, तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि असल जेवर तो जिंदगी में तालीम ही है। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुकाऊं अब उस दर पे मैं जिस दर का ना है कोई बयां। भटक गए